हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई, जिससे टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत के लिए इस सीरीज में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और अश्विन ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन को इस सीरीज में हार्दिक पांड्या की कमी खली। वॉटसन पांड्या को टेस्ट क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं, उन्होंने हार्दिक को स्पेशल टैलेंट करार दिया है। दरअसल वॉटसन का मानना है कि हार्दिक के बैक इंजरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त वापसी है और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला। हार्दिक ने अपना आखिरी टेस्ट सितंबर 2018 में भारत के लिए खेला था। हालांकि घरेलू टेस्ट सीरीज में उनकी कमी नहीं खलती, लेकिन विदेशी सरजमी पर उनके जैसे ऑलराउंडर की टीम को जरूरत होती है। एक चैनल पर बात करते हुए शेन वॉटसन ने हार्दिक की जमकर तारीफ की और उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में स्पेशल टैलेंट करार दिया और कहा कि हार्दिक को टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए। वॉटसन ने कहा, अगर उनका शरीर टेस्ट क्रिकेट की कठोरता को संभाल सकता है तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। अकेले अपनी बल्लेबाजी से भी उनके पास अविश्वसनीय कौशल है, उसके पास बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी तकनीक है। हाँ, वो पावर हिटर है, लेकिन सभी ने उसे गुजरात लायंस के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी क्रम में ऊपर जाते देखा है। यहां तक कि वनडे में भी वो सिर्फ पावर हिटर ही नहीं है, इसीलिए सिर्फ बल्लेबाजी के नजरिए से उनके पास टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन करने के लिए अपना खेल है। उन्होंने आगे कहा, गेंदबाजी के लिहाज से अगर वो फिट है तो वो गेंदबाजी कर सकते हैं और उनके पास शानदार कौशल है। वो नई गेंद को स्विंग करा सकते हैं और भारतीय टेस्ट टीम के लिए बड़े प्रभावी होंगे। मेरे लिए ये अंततः उसके शरीर पर निर्भर करता है कि क्या वो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में टेस्ट क्रिकेट खेलने की मुश्किलों को संभाल सकता है या नहीं। जब खेल के सभी प्रारूपों में खेलने की बात आती है तो मैं उन्हें एक ऑलराउंडर और क्रिकेटर के रूप में सीमाओं को पार करते हुए देखना पसंद करूंगा, क्योंकि वो विश्व क्रिकेट में विशेष प्रतिभाओं में से एक है। आपको बता दें, बैक इंजरी के बाद से ही हार्दिक टेस्ट क्रिकेट से दूर है। इसके बाद से ही वो बतौर बल्लेबाज ही टीम में नजर आए, जिसे लेकर पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 2020 में साफ कर दिया था कि अगर हार्दिक टीम में आएंगे तो एक ऑलराउंडर की हैसियत से ही आएंगे। हालांकि अब उन्होंने आईपीएल 2022 के बाद से एक शुद्ध ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है, वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं।